नमस्कार, लेक्चर नंबर बच्चों 12 है ये। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक सीरीज़ में मैं चला रहा हूँ। एक फोल्डर बनाया है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद उसी में जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, जिसे इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, उसके बाद मैंने वो शुरू किया है। तो 11 वीडियो पढ़ा दिए हैं और ये 12वां लेक्चर है। तो इस वीडियो के अंदर पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, उस युद्ध का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो हमें विश्लेषण करना है। तो वही पढ़ते हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? इससे पहले दिल्ली में जो 1911 में दरबार लगाया गया था, जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी की जो स्वागत किया गया था, वो आपने पढ़ा। अभी पहला विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से शुरू हुआ 1918 तक, इसका क्या इफेक्ट पड़ा राष्ट्रीय आंदोलन पर, वो देखते हैं। इसे पहली बात, विश्व युद्ध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विश्व के जो इम्पोर्टेंट देश थे, लगभग 37 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और पूरा विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। एक खेमे को मित्र राष्ट्र कहा जा रहा है। इसको मित्र राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस खेमे में, जिस टीम में हम शामिल थे, तो वो मित्र राष्ट्र कहा जाता है। मतलब हम क्या, हमको तो ज़बरदस्ती शामिल किया था ब्रिटेन ने, ब्रिटेन का हमारे ऊपर रूल था, इसलिए ब्रिटेन ने हमको ज़बरदस्ती शामिल किया था। और इसके विपरीत जो थे उनको धुरी राष्ट्र कहा जा रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट देश थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो देख लीजिए, धुरी देश थे ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी और तुर्की। ये इम्पोर्टेंट देश हैं, और भी थे लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो है वो बता रहे हैं। जबकि मित्र राष्ट्र में सर्बिया था, ब्रिटेन था, भारत को तो ऐसे एंटर कर लिया था, फ्रांस था, रूस था। 1917 तक इसने पार्टिसिपेट किया। 1917 में इसके देश में खुद ही प्रॉब्लम हो गई, सिविल वॉर हो गई, रूस की क्रांति हो गई 1917 में, तो इस कारण से रूस ने इस युद्ध से जो है बैकआउट कर लिया। फिर जापान भी था और अमेरिका 1917 में इसमें एंटर किया, जब उसकी कई पानी वाली जहाज़ों को डुबो दिया गया, तो 1917 में उसने एंटर किया। तो ये दो पार्टियां हैं इम्पोर्टेंट, देखिए मैप में, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, और ये सब जो है ना, ये आपके धुरी राष्ट्र हैं। और मित्र राष्ट्र देख लीजिए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस, ठीक है, रोमानिया, ग्रीस, ये सब देख लीजिए, ये एक तरफ थे। तो ये हो गया। अब देखिए, अब फाइनल इसका निर्णय क्या निकलता, आप सभी को पता है कि 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो जाता है। जो धुरी राष्ट्र था वो हार जाता है, ब्रिटेन वाली जो टीम है ना वो जीत जाती है। अब हुआ क्या था इस युद्ध में भैया, बिना किसी की सलाह लिए, बिना हमारे जो राजनीतिक संगठन, बड़े बड़े राजनीतिक संगठन थे, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, इनसे बिना पूछे हमारे इंडियन को भी शामिल इसमें कर लिया गया। जो सैनिक, हमारे इंडियन सैनिक थे ना, उनको विश्व युद्ध में भी शामिल कर लिया गया, लड़ने के लिए उनको भी भेज दिया गया था। इसी कारण से कांग्रेस के सदस्य दो खेमों में बट गए थे इस प्रथम विश्व युद्ध को लेकर। एक खेमा कह रहा था कि भैया ब्रिटेन का हमको साथ देना चाहिए, और दूसरा खेमा कह रहा था कि हमें आंदोलन करना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है कि प्रथम विश्व युद्ध में बिजी है ब्रिटेन वाले, और उन पर वार करना चाहिए, इस समय हमें आंदोलन करना चाहिए। मुख्य तौर पर जो गर्म दल विचारधारा के थे उनका ये मानना था, नरम दल विचारधारा वालों का कहना था कि भैया ब्रिटेन का साथ देना चाहिए हमें, ब्रिटेन मुसीबत में है, तो ये सब था। मगर फाइनली कांग्रेस ने ना ब्रिटेन का साथ दिया था, ब्रिटेन का साथ दिया, इस उम्मीद से साथ दिया क्योंकि अंग्रेजों ने कह रखा था ये युद्ध देखिए ये साम्राज्यवाद का युद्ध नहीं है, ऐसा नहीं कि हम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं तो हम अपने साम्राज्य को बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। जब ये सुनते ही कांग्रेस का, तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, उनका तो दिल गदगद हो गया। उनका मन हुआ कि भैया अंग्रेज जब लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या पता प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनका दिल पसीजे और हमें कुछ अधिकार मिले, हमको डोमिनियन स्टेटस जैसा कोई सिस्टम मिले। ये उम्मीद से कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब महात्मा गांधी 1915 में आ गए थे। महात्मा गांधी जब 1915 में आए तो
1915 के बाद उन्होंने भी प्रयास किया कि इंडियंस को जो है भर्ती करवाया, इंडियंस को मोटिवेट किया कि हाँ आप युद्ध में पार्टिसिपेट कीजिए। इसी कारण से तो गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट मेजर कहा जाता है। अंग्रेज इनको सार्जेंट मेजर कहते थे। सार्जेंट मेजर एक ऐसी पोस्ट होती है जो सेना में भर्ती करवाता है लोगों को। और महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी भैया, केसरे हिंद की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। ये महात्मा गांधी की तस्वीर है जब वो जवान थे। अब मुस्लिम लीग तो बेचारी असमंजस में थी। कांग्रेस का तो क्लियर हो गया कि वो प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले असमंजस में इसलिए थे क्योंकि जो धूरी राष्ट्र था उसमें तुर्की था, और तुर्की के जो सुल्तान हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। और उस समय खलीफा की जो पोस्ट होती थी ना पूरे विश्व के सभी मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी, एक तरीके से धार्मिक गुरु इनके हुआ करते थे। क्योंकि जो खलीफा थे ये जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके वंशज माने जाते हैं ये। लेकिन फाइनली मुस्लिम लीग भी तैयार हो गई कि ठीक है हम भी ब्रिटेन का साथ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। अगर ब्रिटेन जीत जाती है, तुर्की वाला जो राष्ट्र जीत हार जाता है, मतलब धूरी राष्ट्र हार जाता है, तो तुर्की के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किया जाए, तुर्की के साथ जो तुर्की के खलीफा हैं उनका अपमान ना किया जाए। इस शर्त के साथ मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है इस युद्ध में, सपोर्ट करती है, वो भी लोगों को प्रेरित करती है कि हाँ प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया जाए। लेकिन 1916 आते आते बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं। होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, एक संगठन स्थापित करते हैं, वो जो आंदोलन चलाता है, जो ये लीग आंदोलन चलाया उसे होम रूल आंदोलन कहा गया। तो होम रूल लीग की स्थापना, ये ऐसे ही लीग जो है ना आयरलैंड में स्थापित हुई थी। आयरलैंड भी उस समय ब्रिटेन के ही अधिकार क्षेत्र में था, वहाँ भी अंग्रेजों का ही अधिकार था, और एनी बेसेंट आयरलैंड की ही निवासी थी। इन्होंने देखा था वहाँ की जो होम रूल लीग है वो मतलब अच्छा काम कर रही थी और उनको सफलता मिल रही थी। इसी कारण से तो 1920 में उनको जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल गया था आयरलैंड को। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया इस युद्ध चलते चलते ही। इसी युद्ध प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तभी ये होम रूल लीग स्थापित कर लिया और इस लीग ने आंदोलन चलाया। और जब अंग्रेजों की हकीकत पता लग गई, कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी पता लग गई कि भैया ये हम लोग का बस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाकर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस कारण से कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में नज़दीक आए और लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। और ये लखनऊ पैक्ट करवाने का जो श्रेय है ना मुस्लिम और कांग्रेस आपस में मिली, ये श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना और हो ये आपके बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों जनों को श्रेय जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग परस्पर आपस में नज़दीक आए। क्योंकि 1913 में हुआ क्या था, 1913 में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये देखते हैं कि भैया ये मुसलमानों का बस इस्तेमाल कर रहे हैं ये अंग्रेज, और हम इनको प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ये हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं, हमारे जो है शोषण करते जा रहे हैं। इस कारण से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों परस्पर एक समझौते पर आई, और कांग्रेस का भी 1916 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन 1916 में हुआ। तो ये लखनऊ पैक्ट होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही लखनऊ पैक्ट के बारे में क्या क्या बातें थी। अब प्रथम विश्व युद्ध का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए अन्न का उत्पादन कम हो रहा था। अन्न का उत्पादन कम इसलिए हो रहा था कि भैया हमारे यहाँ से जो जवान लड़के थे जो सेना में भर्ती थे उनको तो आपने विदेश भेज दिया है लड़ाई करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए, तो यहाँ पर जो बूढ़े माँ बाप हैं वो थोड़ा ना खेती किसानी कर पाएंगे, तो इसलिए पहले की अपेक्षा अन्न का उत्पादन कम हुआ। और आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ा, जो जहाज़ थी पानी वाली जहाज़ें जो आयात निर्यात करती थी वस्तुओं को यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ले जाती थी, वो तो भैया बम और गोला बंदूक के ढो रही हैं, सैनिकें ढो रही हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है,
खाने पीने का सामान और जो जरूरी सामान है वो तो आयात निर्यात हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए इस पर भी प्रभाव पड़ा। तो विदेश से कपड़ा आ ही नहीं पा रहा है, तो भारतीय कपड़ा उद्योग को थोड़ा बहुत यहाँ लाभ हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए लाभ हुआ। उसके बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ फिर से इनके बुरे दिन आ गए और भारत का व्यापार कुछ समय के लिए बढ़ा। आयात निर्यात वस्तुएं नहीं हो रही है तो भारतीय व्यापार जो है वो बढ़ा कुछ दिन समय के लिए, और बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय पूंजी का जो निवेश है वो भी बढ़ा। और कहीं निवेश नहीं कर पा रहे हैं, विश्व युद्ध चल रहा है, विदेशों में निवेश नहीं कर पा रहे हैं जो इंडिया के पूंजीपति हैं, तो इसलिए उन्होंने भारत में ही निवेश करना शुरू कर दिया। भारत के ही बैंकिंग सेक्टर जो थे, बैंकिंग सेक्टर जैसे इंश्योरेंस, वहाँ पर सब निवेश इन्होंने करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो वस्तुएं निर्यात हो रही थी, जो यहाँ से भेजी जा रही थी, वो जो पहले निर्यात की जाती थी वस्तुएं, अब इस समय निर्यात नहीं हो पा रही हैं, तो उन वस्तुओं को जो किसान उगाते थे वो बेचारे बर्बाद हो गए। जो ऐसी कच्चा माल उगाते थे जो विदेशों में भेजा जाता था, वो विदेशों में जा नहीं पा रहा, तो वो किसान सब बर्बाद हो गए। और भारतीय लोगों पर युद्ध के लिए धन देने का भी दबाव डाला गया, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो अंग्रेजों को पैसा तो चाहिए ही होगा, इतना खर्च हो रहा है। तो वो भारत के जो पूंजीपति थे उन पर प्रेशर लगाया गया और भारत के लोगों पर एक्स्ट्रा कर लगाकर पैसे वसूले गए, दबाव बनाया गया कि वो पैसे दें। देखिए, हर वर्ष 40 करोड़ रुपए तो केवल युद्ध पर खर्च हो रहा था। तो जो 1914 से 1918 तक युद्ध चला ना, तो कुल 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे इस युद्ध में। और भारत का कर्ज 1914 से पहले 414 करोड़ था, लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हमारा जो कर्ज बढ़कर 781 करोड़ हो गया था। हमारे ऊपर जो कर्जा है वो 781 हो गया था। हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा भैया? समाज पर ये प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा डर कम हो गया। अब जो विदेश हमारे सैनिक गए हुए थे, भारतीय सैनिक लड़ने के लिए, जब वो आते हैं और कहानियाँ लोगों को बताते हैं कि देखिए ये जो जीत हासिल हुई है ना, हम ही लोगों की बदौलत जीत हासिल हुई है, यूरोपीय कुछ नहीं है, हम लोग के अलावा ये कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा डर कम हुआ लोगों में। और इसके अलावा जनता का जब इतना भारी शोषण किया जा रहा है, इतनी चीज़ें महंगाई महंगी हो गई हैं इसके कारण, क्योंकि वह प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो महंगाई तो आसमान छू रही थी, इसी कारण से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना ना बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो जिसे जन राष्ट्रवाद कहा जाता है, मास नेशनलिज्म की भावना हुई लोगों में बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में राष्ट्रवाद, देश प्रेम लोगों में जागा। तो ये सब इफेक्ट पड़े हमारे नेशनल मूवमेंट पर इस प्रथम विश्व युद्ध का। बहुत आसान टॉपिक था, आपको क्लियर हो गया होगा। और मुस्लिम जो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट का होम रूल लीग है, ये आगे पढ़ने ही वाले हैं, एक चैप्टर में 1916 की कहानी है ये, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा ही। और ये लखनऊ का जो पैक्ट है ये भी आप डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है? अब आगे वाले वीडियो में लखनऊ पैक्ट पढ़ाऊंगा 1916, और उसके बाद मैं आपको होम रूल लीग के बारे में बताऊंगा। तो ये था भैया आपका नेशनल मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा। वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे पूरी उम्मीद है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।